कितनी भी होती है और नीचे मछली भी तैरती ही रहती है। तो अब जो है बाय चांस चिड़िया की नजर कहाँ पहुंची? मछली पे। और मछली की भी नजर कहाँ पहुंची? चिड़िया पे। आपका स्टाइल अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। यहाँ पे तो आपको पॉइंट क्या है दिख रहा है। अब आप जब थोड़ा आगे चले गए तो क्या हुआ? अब पॉइंट क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो था लेकिन इस साइड में हमने इसमें क्या कर रखा है, ब्लैकन किया हुआ है। तो अब आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा पॉइंट? क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ ब्लैक किया हुआ। तो क्यों नहीं दिखेगा आपको यहाँ से? किसी को ऐसा तो नहीं लगा मेरी हाइट छोटी हो गई? छोटी पड़ गई बोल सकते हो, पर हाइट छोटी हो गई मत बोल देना, क्योंकि जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ जाएगी ना, छोटी पड़ गई। तो क्या हम इसको देख पाएंगे? देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? वाले कोई मैजिक, कोई मैजिक कर सकते हैं जिससे देख लें इसको? हाँ ये अच्छा मैजिक है कि इरेजर से भी ब्लैक हटा लो, है ना? क्या बात है, कमाल है बेटा। इसमें पानी भरिए। रिफ्रैक्शन की बात की थी मैंने, रिफ्रैक्शन। आंसर क्या था? रिफ्रैक्शन। बस हेडिंग बोल दो, आंसर हो गई। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से हो गई। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो आइडिया है कि जब लाइट रे सेपरेशन ऑफ ट्रू मीडिया भी आती है सरफेस पे, तो क्या होती है? बात से डिलीट हो जाती है। किस तरफ होगी क्या होगी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडिया, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इफ इट इज डेंसर देन टुवर्ड्स देन अवे, तो इसको डेंसर मान लेते हैं, इसको रेयर मान लेते हैं, ये टुवर्ड्स। अच्छा ये अभी डेंसर ही है ना, रेयर है। अब ये भी आ रही तो कहां जाएगी आप बताओ? इधर जाएगी, इधर जाएगी, सीधे सीधे, जोर से बोलो, ये भाई साहब कह रहे हैं वापस चली जाएगी, ये तो बुरा मान रहे, सीधे जाएगी। कितने लोग कहते हैं सीधे जाएगी? क्यों जाएगी सीधे? तो इधर कहीं किसी नियम में लिखा ही नहीं है परपेंडिकुलर जाएगी तो सीधी जाएगी। मिरर में कहां सीधी गई जाएगी? पढ़ा तो नहीं है, बच्चे हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। हाँ। तो हमारे पास एक था ग्लास लेस, तो वहां से हमने करके देखा था। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। कम से कम आपने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिस किया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या हम इसको आज एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं? तो देख लेंगे, अगर समझ जाएगा तो आपका प्रैक्टिकल ज्यादा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्या ये इधर क्यों घूमा? इसको बोलते हैं एंगल आई, उसको क्या बोलते हैं? इनमें कोई रिलेशन होता है? जैसे रिफ्रैक्शन में तो एंगल आई कुछ भी क्या था, एंगल आ था, लेकिन यहाँ होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है? साइन आई। साइन आई भाई, साइन आई, साइन आई, फिर से बोलो, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई। कॉन्स्टेंट अब आ गया समझ में। कौन बोला? वेरी गुड, बोलो एंगल आई कितना हो गया? ओके, आप बताते बेटा 90, साइन 90 वाली कितनी होती है? 1। और नीचे साइन आर कितना हो गया? 1। कैसे हो गया? चलो चलो मान लिया आपके बाद आप 90 कहना चाह रहे हो ना, तो ये 1 हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन है 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन है 1.5, तो 1 / 1 = 1.5 होता है? नहीं सर। आप कह रहे आ गया समझ में? नहीं भाई साहब, कुछ जागो। साइन आई बोला आपने 1, साइन आर बोल दिया आपने 1,
वन अपॉन वन इज इक्वल टू 1.5। बताओ भाई ये फॉल्स है ना? नहीं चली ना, चलते हैं फिर से। सबसे पहली बात क्या है कि अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में ही नहीं पता। हाउ डू डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच। हाँ, तो भाई साहब आपने 90 क्यों बोल रहे थे? बिल्कुल आपने बोला, आप करेक्ट है, आप करेक्ट है बेटे, आप करेक्ट है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। एंड सो इज द आर, तो साइन 0 इज 0 अपॉन साइन आर हैज टू बी कांस्टेंट म्यू, सो साइन आर हैज टू बी 0 अपॉन कांस्टेंट, सो 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट? 0। सो साइन आर equals to 0, so R has to be 0, trigonometry कहती है। तो this is the only case of refraction where the angle I and angle of incidence and angle of refraction are equal, otherwise they are never equal. You got my point or not? Yes sir. Okay, fine. तो clear हो गया बेटा ये अभी? आपने तो और अच्छा कर दिया आपके, और explain भी कर दोगे आप तो? Yes. Good. Here sin I by sin R1 is equal to 1 mu 2, sin R1 upon sin R2 is equal to 2 mu 3, sin R2 upon sin I equal to 3 mu 1, 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 is equal to 1, so 1 mu 2 into 2 mu 3 is equal to 1 upon 3 mu 1, which is equal to 1 mu 3, therefore 2 mu 3 is equal to 1 mu 3 upon 1 mu 2, that is mu 2 mu 3 upon mu 2, so W mu g is equal to A mu g upon A mu W. वो यूज कर दिया आपका थोड़ी फायदा होने वाला, तो हमारे हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में, यानी इंडिविजुअल। क्लियर? चले आगे चले। अब यहां मैंने कहा था कि ये इसमें जैसे आपने पानी भरा, व्हाट विल हैपन देन? ये क्या है? डेंसर है। ये क्या है? डेंसर। और ये क्या है? कहां जा रही है? अवे, टुवर्ड्स नहीं जाएगी। नॉर्मल ये सरफेस है, इसमें नॉर्मल क्या है? ये है, तो ये टुवर्ड्स जाएगा, अवे जाएगा, इट विल गो अवे। अब क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है, लेकिन कहां दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर। दैट्स व्हाई द स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलो। एक क्वेश्चन आता है ना कि स्विमिंग पूल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? जो मछली है वो ऊपर क्यों दिखाई देती है? अब जब हाथ लगा दे तो पता नहीं कहां मिलती है, बड़ा मुश्किल है। एक्चुअल में होती नहीं है ना वहां पे। अगर इस पॉइंट को आप उठाने लगोगे तो कहां से उठाओ? यहीं से तो बहुत ज्यादा दिखेगी। तो ये यहां तो है ही नहीं, यहां तो मिस होगा। अब उस बंगला भगत के बारे में सोच के देखो एक बार ध्यान, उसकी कितनी मजबूरी होगी और कितनी परेशानी होगी। बगला भगत जो यहाँ खड़ा है, बिल्कुल कान के चेष्टा बकु ध्यान स्वाल इंद्रा तथा वचा अल्पहारी ग्रह जागी विद्यार्थी पंच लक्षण, उसमें से एक लक्षण एक सीखने की चीज है बगले से। तो यहाँ ये खड़ा है बड़े ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड, लेकिन ध्यान कहाँ होगा? यहाँ भी यहाँ जहाँ दिखेगा भाई। ये तो आपको समझा दिया मैंने, अदरवाइज मैं ऐसे लेके आता तो आप क्या कहते? वहां है कि वहां है? आप तो यही कहते हैं ना, जबकि यहाँ है नहीं। अब वो कहाँ मारेगा? पकड़ने के लिए तो यही मारेगा ना बीच को। तो जब फर्स्ट टाइम जब उसने फिशिंग की होगी तो कहा होगा बहुत से हैं धोखे इस जहान में। कहा होगा नहीं? कहा होगा बहुत धोखे हैं इस जहान में, नहीं कहा होगा ना बेटे? बट आज जो इसकी स्थिति है, क्या मिस करता हूं? मतलब ही नहीं बेटे, बको ध्यानम। और क्यों हुआ ये? तो अगला आंसर है प्रैक्टिस मेक्स द बगला। तो ये आपके लिए यू आर नॉट अ बगला भगत, बट मे एक्ट एज ए बगला भगत, दैट्स व्हाई यू विल बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। करेक्ट? आज तो काफी सूत्र मिल गए। ओके, तो ठीक है। ऊपर की नीचे? सर ऊपर। नजदीक की दूर? नजदीक।
मछली को चिड़िया नजदीक दिखेगी दूर दूर, इतनी सी बात है, ठीक है। और इसीलिए शायद आप अगर बाल्टी में क्वाइन क्वाइन अगर पड़ा हुआ पंखा तो भेजा क्या है आजकल प्लास्टिक का है तो वो ऑलमोस्ट ऊपर रहता है, चक्कर ये ऑलमोस्ट भरने के बाद ऊपर ही रहता है अधिकतर, है ना नहीं, तो इसलिए उसकी मैंने इच्छा पूरी दे सकता है, ठीक है। पर क्वाइन जो है जनरली क्या होता है वो नीचे होता है। अब आप उसको जब खाते हो ऑनेस्टली, अब आप अपना मत करिएगा, एक छोटा बच्चा जो इन सब चीजों को जानता नहीं तो उसको क्वाइन ऊपर दिख रहा होगा, जब वो उठाने की कोशिश करे तो वो हाथ ज्यादा नीचे डुबाएगा या हाथ ज्यादा कम गहराई में डुबाएगा और वहां उसको मिलेगा नहीं, ये बात सही है। लेकिन आपको तो ये भी पता नहीं था तब भी, जब भी आप छोटे थे तब भी आप, लेकिन आपको क्वाइन तो बिना उठा के निकाल लेते थे बाल्टी से, मिस क्यों नहीं होता था सर हमारा, एक क्वेश्चन भी तो बेंड होता था फिर अंदर जाके, हाँ क्योंकि हम उसको देख के यूं नहीं खींचते थे, हम क्या करते थे हाथ डाल रहे तो हाथ को भी देख रहे और क्वाइन को भी देख रहे, तो जब असली हाथ कहाँ होता था असली क्वाइन पे, इमेज वाला हाथ इमेज में पहुंच जाता था, आप समझ गए, इसमें मिलता था वो, लेकिन बगला ऐसा नहीं कर सकता बेचारा, अगर ऐसा करने लगे तो मछली कब तक भाग लेगी, उसको तो वही करना पड़ेगा, और इसीलिए उसने फिर प्रैक्टिस कर करके ये हाल कर दिया कि आज वो मिस नहीं करता, और इसीलिए उस बन गया पूरा पूरा प्रैक्टिस मेक्स द मैन बगला। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब द लेटरल शिफ्ट इज द सेपरेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे सीडी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल बीसीई कॉस आर इज इक्वल टू बीई अपॉन बीसी दैट इज इक्वल टू टी अपॉन बीसी वेयर टी इज द थिकनेस और द विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब, सी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। इन ट्रायंगल बीसीडी साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सीडी अपॉन बीसी so cd is equal to bc into sin I minus r, so cd that is lateral shift is equal to t upon cos r into sin I minus r, so d is equal to sin I minus r upon cos r into t। अब इसलिए क्या प्रॉब्लम अगला आता है कि रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है इसको चैलेंज करना है या आगे आगे बढ़ो कर दें, तो अब लिखो हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। इसके लिए मैंने क्वेश्चन कौन कौन से बोले थे अभी जिसको एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, सबसे पहला क्वाइन स्विमिंग पूल, क्वाइन जो है वेज जो होता है, तीसरा बदला भगत जी भूल गए, इसके अलावा सनराइज सनसेट दो क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, तो सेम एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अब उसमें कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कभी फुहारे देखे फाउंटेन्स, कलरफुल फाउंटेन्स कैसे आते हैं वो कलरफुल, लाइट आ रही होती है पानी के नीचे लगी होती है, तो कितनी गहराई पे होती है, कहाँ उनको दिख रहा है या ये क्वाइन कहाँ दिख रहा है, वो हमें एक्चुअल लेंथ कम निकालते हैं। तो This is the coin. क्या कहा था मैंने, इमेज कब बनेगी जब लाइट आएगी, तो लाइट किससे आएगी कॉइन से आएगी, चलिए ये कॉइन से लाइट आ गई। अब ये क्या चीज है जो से बोलो वॉटर, और ये क्या चीज है कैसा मीडियम है, कैसा है इसको नॉर्मल बना दूं, व्हाट विल हैपन, अभी तो नॉर्मल इधर ना, यस सर, इधर ना इधर इधर ठीक है ठीक है, बुढ़ापे में थोड़ा ना, तो ये सीधे जा रही थी इसको थोड़ा अवे कर देते हैं, ठीक है अब ठीक है, यस सर। एक और वे ले लें क्योंकि एक से नहीं बनती ना इमेज, बताया था आपको वो चाहिए मिनिमम, तो ये तो सीधी जा रही है तो इसका मतलब ये कहीं इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ कहीं लगे। अब ये भी जो है अब ये दोनों रेज जो है आगे जा रही है,
Will they meet? No, sir. Will image be formed here? No, sir. Cannot be. Condition kya thi? They have to meet. So therefore, they will appear to meet somewhere. The other point. So where they will meet, this is the image. So this is the I and this is the O object. Clear? Yes, sir. इसका नाम आप ए डालना चाहे हो, इसका नाम बी डालना चाहो, बी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल को देखें आप, ए बी और ओ, तो ये एंगल आई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? सर 90। ओ ध्यान से थोड़ा सा, सर पहले क्या था ना, एंगल आई, पहले ये तराजू तौलिए और तब मुंह बाहर आने, बड़ी अच्छी चीज बता के यार कबीर दास जी, फिर भी नहीं। तो जब कुछ सुना उसको गलत अंदर तोल लो ना एक बार। मैंने कहा था ये आई है, तो ये कितना है, कौन सा एंगल कहलाते हैं ये मैथ्स में, तो ये आई लिख दू। ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा है, ये आर है, ये एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल कहलाते हैं ये, ऑर्डिनरी कहा है यार, ये क्या बात है मैथ्स भी का जरूरी है, तो क्या इसको भी ढांकते हो, कैसे ढांकते हो, ऑलमोस्ट नॉर्मल, ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टली प्रैक्टिकल चीज है वो बताओ। तो जब हम इस पॉइंट को देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट हमारा जो लाइन ऑफ साइट होंगे इसके आसपास होंगे, यानी दिस बी विल बी क्लोजर टू ए, यानी स्मॉल अपर्चर, समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, स्मॉल अपर्चर समझाया था, ये समझाया था, क्या समझाया था बेटा बताओ यहाँ पे, यानी आई बी विल बी क्लोज टू, आई बी विल बी क्लोज टू आई ए, मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने नहीं बोला, मैं थोपता नहीं किसी को, और ओ बी विल बी इक्वल टू ओ, नहीं पता आप बताओ, ठीक है ना, लिख दू, और ये अपॉन चल ही रहा है, और इधर ये वन अपॉन म्यू चल ही रहा है। अब आई ए वो क्या चीज है, रियल डेप्थ, तो ये आ गया अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल कैप, ठीक है। तो क्या रिलेशन बना, यस रियल डेप्थ, आपको आर डी लिखो सीधा कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल्स टू न्यू टाइम्स अपेरेंट डेप्थ, क्लियर है, होती है और नीचे मछली भी तैरती ही रहती है। तो अब जो है बाय चांस चिड़िया की नजर कहां पहुंची, मछली पे, और मछली की भी नजर कहां पहुंची, आपका स्टाइल अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड, आई गेट एनर्जी फ्रॉम द क्लास, है ना, इसलिए मुझे आप 8 पीरियड पढ़वा लो, आई विल नेवर गेट टायर्ड, बिकॉज द स्माइलिंग फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इज द बूस्ट ऑफ मेरे टीचर मुझे कहते थे कि सर आप 8वें पीरियड में स्पेशल पॉइंट पहुंचे तब भी आपको याद, 0 पीरियड में आ जाए तो भी यही याद रहता है, तो फिर मैं कहता हूँ बेटा तुम्हें नहीं पता भी, तो स्माइलिंग फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, अगर आप बिल्कुल डल पड़ जाएंगे तो मेरा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जवाब दे देते हैं इससे फिर मुझे एनर्जी आ जाती है, और अगर आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आई फील तो सिंक होने लग जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में अच्छी पढ़ाई हो, तो हेल्प योर सेल्फ एंड रिस्पॉन्ड योर टीचर, सो द टीचर विल गेट एनर्जाइज एंड ही और सी विल टीच यू मोर देन व्हाट सी हैज एक्सपेक्टेड और थॉट, वो जितना भी सोच के आई होगी ना उससे ज्यादा पढ़ाई जाए, जब आप उस, ये आपके हाथ में है, कितना पढ़वाओगे टीचर से, कितना खींचोगे टीचर से, ये आपके हाथ में है, ये सीक्रेट्स बता दिए मैंने आपको,
समझ आया? यस सर। और जब आप घुसुर घुसुर दाएं बाएं करो तो कहां से आए? वो जितना पढ़ाना चाहती ना उसको भी कट कट करके पूरा कर जाएगी। प्ले पूरा हो गया कोर्स यहाँ लेकिन मजबूरी थोड़ी क्या है कि भाई क्लास लेनी है नहीं तो बाकी सिरा नाराज हो जाएंगे। वो पढ़ा के तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं पढ़ेगा। वो नुकसान किसका हुआ? हमारा नहीं बेटे उसका थोड़ी हुआ है। उसको उसने फिर भी ध्यान दे दिया अल्लाह तो नहीं बता रहा था बेटा उसको थोड़ी वो तो ध्यान दे रहे इसलिए ध्यान रखना ही बात। समझ आ गई ना? तो चार तुम्हारी कॉपी में दिखी नहीं रही किसी की कॉपी में दिखी मुझे चार। हाँ, अब देख कर गलत नहीं गलत तो कोई इश्यू नहीं है गलत तो सही हो जाएगा बेटे लेकिन मतलब थॉट प्रोसेस तो हो ना। मछली ये है असली चिड़िया कौन सी है? असली चिड़िया नहीं यहाँ देखा तो नकली चिड़िया के बिना कनेक्शन के वहाँ वहाँ पर मछली यहाँ कैसे पड़ी? तो यहाँ देखिएगा कि इसकी यहाँ फिर यहाँ चलेगी भाई असली है ना तो असली से तो चिड़िया देखेगी अपना कहीं भी यही तो देखेगी ये देखने की कोशिश शुरू करेगी ना अभी यहाँ देखेगी उसको कुछ दिखेगी तो आप कहीं भी जमा दिया आपने ऐसे लगा देते हैं रे ऑप्टिक्स का यूज करें ना आपके लिए तो घर में करना।